कल करीब 11:15 रात जाजा पिंड तो इतला मिली सी कि उस पिंड दे विच एक बजुर्ग दंपति का कतल कर दिता गया और उस तो बाद लाशा नूं जिहड़ी हैगी अग ला के साड़िया गया। सो ये इतला मिलन तो इमीजिएटली मैं और SHO टांडा मौका ते पुजे और जाके असी देखिया उत्थे जिहड़ी बैडरूम दे विच मनजीत सिंह हैगा रिटायर्ड सूबेदार जाजा पिंड दा रहण वाला और उन्हां दी जिहड़ी वाइफ हैगी गुरमीत कौर उन्हां दीआं लाशां जिहड़ियां बैडरूम दे विच सड़ रहीआं सीगीआं। मौका ते जिहड़ा इन्हां दा बेटा रविंदर और मनदीप कौर मौजूद सीगे। जदों असीं उन्हां तों इस संबंधी जानकारी लई ते रविंदर ने दस्सिया कि उह सवेरे 11:00 घरों चले गिआ सी और 10:15 वापस आया। जदों वापस आया तो बाहरों गेट लगा होया सी और उन्हें खड़काण तों बाद जदों नहीं खुल्लिआ तो अंदर गया और दरवाजे नूं धक्का मार के अंदर गया सी। फिर उन्हें अपनी वाइफ दा जिहड़ा बाहरों कुंडा लगा सी उहनूं खोलिआ और जदों अंदर जाके देखिआ तां उहदी वाइफ बज्जी होई लगदी सी पर उन्हें जदों हल्का जिहा उस बज्जण नूं हथ मारिआ तो नाल ही खुल गया और खुल्लण तों बाद इह अपने पेरेंट्स दे कमरे च गिआ। जदों उत्थे देखिआ तां इह लाशां सड़ रहीआं सीगीआं। उह तों बाद जिहड़ा वाइफ नूं जदों असीं इह पुछिआ तो उन्हें कहा कि वक्त करीब 4:00 शाम 3 व्यक्ति घर च आए है जिन्होंने मैनू इस कमरे च बंद दिता है और जिहड़ा इह कारा हैगा उन्हां व्यक्तियों द्वारा किया गया। सानू जिहड़ी सारी वो चीज़ां जिहड़ियां विरोधापासी लगियां और असीं उहदे च डंगाई नाल जदों सारी पुछगिछ कीती ते उह तों बाद असीं इन्हां दे बेटे मनदीप कुमार सिंह दे नाम जिहड़ा बेटा रविंदर उहदे बयानां ते मुकदमा दर्ज किया इहदी वाइफ दे खिलाफ और उन्हें यह भी दस्सिया कि इहदे नाल कोई होर अज्ञात व्यक्ति जां सहुरा परिवार जिहड़ा हैगा उह मुलब्बस हो सकदा करवाया गया हो सकदा। सो इहदी तफ्तीश दे संबंध च SSP साहब जी दे ध्यान च लिआंदा गया। सो श्री कुलवंत हीर जी BPS SSP हुशियारपुर जी वालों उसे टाइम सानू निर्देश दिए गए। SP हैडक्वाटर श्री अश्विनी कुमार जी, DSP श्री सरजीत राय जी, इंस्पैक्टर CIA इंस्पैक्टर करनैल सिंह ये सारी टीम वक् वक् थ्यूरियां ते असीं काम शुरू कर दिता। सो जदों असीं इहदी सारी तफ्तीश जिहड़ी अमल च लिआंदी तां सामने आया कि जिहड़ी इह मनदीप कौर हैगी है इहदे आशकाना संबंध पिछले काफ़ी लंबे समय तो जसमीत सिंह जो कि ग्रंथी पिंड पहला इन्हां दा जिहड़ा सहुरा पिंड है उत्थे रिहा है उस तो बाद हुण इह इत्थे दाता पिंड है उहदे गुरद्वारा साहिब च ग्रंथी है इहदे नाल चले आ रहे सी। सो इसे चक्कर दे विच इहनूं लग्गिया कि इहदे पेरेंट्स इहदे इस काम दे विच रोड़ा बनणगे क्योंकि इहदा हसबैंड तां बाहर रहिंदा सीगा उह ते हुणे आया। सो उह रोड़े नूं दूर करन दे लई इहने अपने आशक जिहड़ा हैगा उहदे नाल मिल के जसमीत नाल इह कतल नूं अंजाम दित्ता। सो असीं दोनों दोषियों नूं गिरफ़्तार कर लिया, दोनों दोषियों तो मोटरसाइकिल जिहड़ा सीगा उह बरामद कर लिया जो चाकू पहला इन्हें चाकू के नाल कतल किया फिर उस तो बाद उहदी शहादत मिटाउण लई जिहड़ा हैगा सीगा अग लाई गई सी। इस तों अलावा इन्हां ने मौका तो करीब 19 तोले सोना और 45,000 रुपया नकदी भी चोरी किया जिहड़ा जसमीत लै गया सीगा और सानू इह जसमीत तो बरामद भी हो गया। इस तों अलावा जदों असीं होर पुछगिछ कीती है तो इसे लड़की मनदीप कौर दे पेरेंट्स घर दे विच जो निशान सिंह दा दबुरजी च उहदे घरे चोरी हुई सी 23/11 नूं करीब 15 तोले सोना चोरी दस्सिया सी। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सी और वह भी जिहड़ी वारदात हैगी इन्हां दोनों ने अपने ही घर च लड़की ने करवाई सी और उस संबंध में भी असीं बरामदगी इन्हां तों करांगे। सो ये जिहड़ी कतल की गुत्थी सीगी कुछ घंटिया के बच्ची सुलझा ली गई है और जिहड़े दोषी गिरफ्तार कर ले गए। इन्हां ने जिहड़ा सीगा ये तकरीबन जदों 11:00 घरों चले गया बेटा इन्हां दा उस तों बाद जिहड़ा हैगा इन्हें WhatsApp ते कॉल करके जसमीत नूं घरे बुला लिया और उस तों जसमीत नूं घरे बुलाण तों बाद इहदा जिहड़ा सहुरा सीगा उह बाहर गया होया सी। इन्हें जसमीत नूं उपर कमरे दे विच छुपा दित्ता और छुपण तों बाद जदों इहनूं दा लग्गिया इन्हें उस ढंग नाल इहनूं थले बुला के पहलां इन्हां ने माता दा गला घुट के कतल किया और फिर जिहड़ा सीगा चाकू मार के उह इन्हां ने मनजीत दा कतल किया और उस तों बाद जिहड़ियां लाशां नूं करीब 5-6 बजे इन्हां ने अग ला दित्ती। उस तों बाद जिहड़ा दोषी जसमीत सीगा उह नेरे दा फायदा उठा के उत्थों फरार हो गया।